तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लोब के बारे में। आप सभी लोगों ने ग्लोब अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा। जिन्हें नहीं पता ग्लोब क्या है, ग्लोब एक गेंद जैसा मॉडल होता है हमारे पृथ्वी का, जिसमें सारे आपके कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशन सब कुछ दिखता है। और अगर आप कभी उस ग्लोब को ध्यान से देखेंगे ना, तो आप नोटिस करना कि एक फुटबॉल के साइज़ के आकार के ग्लोब में आपका जो देश है वो एक इतना सा होता है, छोटा सा है ना। अगर आप उसी छोटे देश में अपना शहर ढूंढेंगे या वो जगह ढूंढेंगे जहाँ पे आप पैदा हुए, तो एक बिंदी के साइज़ का आपको मिलेगा, बहुत छोटा, जैसे एकदम पेन से आप डॉट लगा देते हैं, इतने साइज़ की आपकी सिटी हो गई। अब आप सोचो कि इतनी बड़ी दुनिया में एक बिंदी में लाखों करोड़ लोग ऐसे हैं जो उसी बिंदी में पैदा हुए और उसी बिंदी में मर गए, उन्हें उसके बाहर का कुछ नहीं पता। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, आप सड़कों पे निकलोगे, जो ज्ञान देते हैं या बातें करते हैं कि अरे हमने दुनिया देखी है, हमें ये पता है, हमें वो पता है, लेकिन आप सिर्फ एक बिंदी में पैदा हुए हैं और एक बिंदी में ही मर गए हैं। तो जैसे आपने वो कहावत सुनी होगी, हिंदी में बोलते हैं कुएं का मेंढक, एक मेंढक जो सिर्फ एक कुएं में रहा अपनी पूरी ज़िंदगी, जिसने कभी समुंदर नहीं देखा और उसे लगता था कि यही दुनिया है, यही सब कुछ है। तो पॉइंट ये है कि अपनी ज़िंदगी में एक डॉट प्रोडक्ट बन के ना जिए, एक कुएं का मेंढक ना बने। अगर आपको कभी भी मौका मिलता है ट्रैवल करने का, घूमने का, तो उस बिंदी से बाहर निकले। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे लोग हैं, जाके मिलें, एक्सप्लोर करें, अपनी दिमाग को थोड़ा ब्रॉड करें, अपनी सोच को बड़ा बनाएं और दुनिया देखें। और बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है देखने के लिए, जाके उसको एक्सप्लोर करें, बस उस बिंदी से बाहर निकलें। वरना क्या फ़ायदा हुआ यार इंसान बन के पैदा होने का, अगर मक्खी मच्छरों जैसी ज़िंदगी जीनी है कि जहाँ पैदा हुए वहीं पे मर गए, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। बाहर निकलें, घूमें और लाइफ को एंजॉय करें।